तो हम सभी देखते हैं कि किंग कोराग ने अकेले ही युजाकी, लाइट और साथ ही में केंजिरो को वहीं पर खत्म कर दिया होता है। किंग कोराग की इस ताकत को देखकर अकुम और यामोशी भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी अकुम और यामोशी अचानक उस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग उन दोनों को इतनी जल्दी देखकर काफी हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर, वो भी इतनी जल्दी? क्या तुमने अपनी लड़ाई को खत्म कर लिया? जिसके ऊपर यामोशी और अकुमो दोनों ही कुछ भी नहीं कहते। और तभी अकीरा कहता है, हेरोइक किंग कोराग, आखिर वो कहां पर है? वो तुम दोनों के साथ में नहीं है। और तभी हितोशी मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम सभी को कहा था, इस डायमेंशन से अगर कोई अंत में बाहर आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ किंग कोराग होंगे। और तभी हितोशी के ये कहने के बाद किंग कोराग भी उन सभी के सामने आ जाते हैं और उन्हें वहां पर देखकर आरिमा कहता है, क्या आप तीनों यहां पर, लेकिन क्या कोई हमें बताएगा कि आखिर उस डायमेंशन के अंदर क्या हुआ था? वो दोनों गॉड्स और वो एंजल, क्या वो खत्म हो गए? जो सुनकर यामोशी कहता है, बिल्कुल आरिमा, वो तीनों ही नहीं रहे। हम इस लड़ाई को जीत तो गए, लेकिन जिसके ऊपर राइजो कहता है, यामोशी, आखिर भला तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम साफ साफ बताओगे? और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं। वेजिटा के कहने पर गोकू अपने नॉर्मल रूप में आ चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, यामोशी, अकुमो, तुम दोनों के चेहरे कुछ और ही बता रहे हैं। तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो, तो आखिर फिर ऐसा क्यों है? जिसके ऊपर तभी अकुमो कुछ भी नहीं कहता, वो बस एकदम शांत खड़ा होता है। यामोशी कुछ कहता उससे पहले ही किंग कोराग कहते हैं, लगता है कि यामोशी, अकुमो, तुम मेरी ताकत को देखकर अभी तक सदमे में हो। तो चलो मैं ही तुम सभी को ये बात बताता हूँ। मैंने अकेले नहीं, उन तीनों को वहां पर खत्म कर दिया। और बस मेरी इस ताकत को देखकर अकुम और सैयन गॉड थोड़े से सदमे में है, या फिर मैं बोलूं ये थोड़े से हैरान हो गए। किंग कोराग की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अकीरा कहता है, क्या वाकई में किंग कोराग ने अकेले ही उन तीनों को खत्म कर दिया? वो दोनों गॉड्स वो काफी ताकतवर थे। न केवल इतना, युजाकी भी सुप्रीम एंजल है। जिसके ऊपर किंग कोराग सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। और तभी रयुगा कहता है, जैसा कि हमने कहा था, तुम्हें क्या लगा था कि किंग कोराग तुम्हारे जैसे मामूली सैयन है? वो हेरोइक किंग है, उनकी ताकत की बराबरी तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। और तभी हितोशी भी कहता है, तो अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार किंग कोराग और तुम सभी सैयंस में जमीन आसमान का अंतर है। तो अभी भी मौका है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, वरना तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर तुम्हारा क्या हश्र होता है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी कोराग,
तुमने अपनी ताकत को पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ाया है। और कोराग भी अकुमो के सामने आते हुए कहता है, लेकिन अकुमो, मैं अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि मैंने और शायद तुम लोगों ने भी ओमनिवर्स के रूलर के अभी तक सभी वॉरियर्स और गार्डियंस को खत्म कर दिया है, और अब ओमनिवर्स का रूलर खुद इस मल्टीवर्स में आएगा, समझे? यानी कि ओमनिवर्स का रूलर कामोरा यहां पर जल्द ही आने वाला है। हम सभी देखते हैं कि कोराग की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं, और तभी ब्रोली कहता है, लेकिन तुम ज़ेनोसामा को आजाद करो इसी समय और इसी वक्त, समझे? जिसके ऊपर कोराग कुछ भी नहीं कहता, और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, शायद इस समय पर किंग कोराग एकदम सही कह रहा है। हो सकता है कि अब ओमनिवर्स का रूलर खुद ही यहां पर आए, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए राइजो, हम इनका साथ कभी भी नहीं देंगे, समझे? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, अकुमो, आखिर भला तुम ये क्या कह रहे हो? हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है। किंग कोराग की ताकत हम देख चुके हैं। ना केवल इतना, ओमनिवर्स का रूलर अगर यहां पर आता है तो हम में से कोई भी उसे शायद नहीं रोक पाए। अगर हम सभी एक साथ मिलकर अपनी कोशिश करेंगे तभी हम उससे समझा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता, और तभी किंग कोराग कहते हैं, यामोशी, तुम हमेशा से ही समझदार रहे हो, लेकिन इस मामले में नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि ओमनिवर्स के रूलर को मैं रोकूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं पूरी तरीके से तैयार हूं अपनी हेरोइक पावर के साथ। ओमनिवर्स का रूलर जब यहां पर आएगा तो वो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, और मैं उसकी आंखों के सामने ओमनी किंग जनो को भी खत्म कर दूंगा। जो सुनकर गोकू कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन ओमनी किंग ज़ेनोसामा वो बाकी के ओमनी गॉड्स के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तुम्हारी जो भी दुश्मनी होगी ओमनी गॉड्स के साथ में, लेकिन ज़ेनोसामा को इसी समय और इसी वक्त छोड़ दो। गोकू जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके सामने हितोशी आ जाता है, और हितोशी कहता है, सैयन, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किसके सामने खड़े हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो? शुक्र मानो कि तुम एक सैयन हो, नहीं तो किंग कोराग अभी तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? ओमनी किंग ज़ेनोसामा को आजाद करो या फिर मेरे साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। गोकू की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और वेजिटा कहता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो कैकरोट, सब्र रखो,
जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं सुनता। और तभी वो इतोशी को पार करते हुए किंग कोराग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है, तुम्हें ये सभी रोकना होगा, तुम एक सैयन हो तो एक अच्छे सैयन की तरह रहो, समझे? हारून और काजुकी भी यही सब करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने आखिरी समय पर ये सारी बातें समझ आई कि वो गलत थे। जो रास्ता उन्होंने चुना वो गलत था। तो जब तुम्हारी भी आखिरी सांस चल रही होगी, क्या तब तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम गलत थे? जिसके ऊपर किंग कोराग मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना सैयन। तुम जिन सैयन्स के बारे में बात कर रहे हो वो एकदम सही थे, हारूनो और काजुकी। और जो उन्होंने रास्ता चुना वो भी सही था, बस उन्होंने अपने साथी के तौर पे तुम जैसे डरपोक सैयन्स को चुन लिया। और तुम्हें ये बात मालूम भी है कि बरसों पहले हमारे साथ में क्या कुछ हुआ था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मुझे मालूम है, बरसों से सैयन्स और गॉड्स की लड़ाई चलते आ रही है और उसी लड़ाई के बीच में कई सारे सैयन्स मारे गए। बस इतनी सी तो बात है, कई सारे गॉड्स भी तो मारे गए होंगे, लेकिन वो लोग अब ये सब नहीं कर रहे। बस तुम ही हमारे सैयन्स के नाम को धूल में मिलाने पे लगे हो और ये सब गलत काम कर रहे हो। जो सुनकर रयूगा और हितोशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो गोकू की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंग कोराग उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात तुम्हें लग रही है तो चलो, समय आ चुका है तुम सभी को हकीकत से रूबरू कराने का, क्यों है ना अकुमो या मोशी? और तभी किंग कोराग की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम सभी दाई माँ को देखते हैं, जो कि मनी मन कहता है, उम्मीद करता हूं कि मेरे बारे में और मेरी सच्चाई के बारे में और खास करके हमारी प्रजाति के बारे में ये किसी को कुछ भी ना बताए। जिसके बाद हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं। केंजिरो, लाइट, युसाकी, वो तीनों भी अब नहीं रहे, और इनके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ वो घटिया सैयन्स और किंग कोराग। और तभी उसके सामने ओमनिवर्स के रूलर होते हैं, जो कि बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी गद्दी से खड़े होते हैं और वो कहते हैं, तो अंत में केंजिरो भी उन सैयन्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाया, और अब उन सैयन्स का बस बहुत हो गया। अब उन्हें इस ओमनिवर्स के रूलर का सामना करना पड़ेगा। तो चलो हम वहां पर जा रहे हैं और ये उन सैयन्स की आखिरी घड़ी है।